बिसफल रामीम या कना कनस्तिन मेरे पाकिस्तानियों आज मैंने आपसे तीन चार बातें करनी हैं लेकिन मैं सबसे पहले जो अपनी बात का आगाज करना चाहता हूँ वो मैंने जिस चीज़ के ऊपर फैसला किया है कि नैब चेयरमैन के ऊपर मैं पंद्रह अरब रुपए का आज हर जाना उसके ऊपर डाल रहा हूँ अपने वकील के जरिए मैंने उसको लीगल नोटिस भजवाया और मैं आपको सिर्फ मोटी मोटी बात बताना चाहता हूं कि मैंने ये ये क्यों किया है इस आदमी ने सब कुछ बदनीयती पे किया इसने मेरे फंडामेंटल राइट्स मेरे जो बुनियादी हकूक जो मेरा आइन देता है उसकी खिलाफ वर्जी की इसने नैब के कानून तोड़े मुझे पकड़ने में और इस सिर्फ हरजाना नहीं कर रहा मैं इसको कंप्लेंट करूंगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसका मैं सिर्फ आपको मोटी मोटी चीजें बताता हूं कि इसने किया क्या है 28 अप्रैल को जरा अब यह गौर से सुनना है 28 अप्रैल को फैसला होता है कि मेरे ऊपर ये जो इंक्वायरी कर रहे थे उसको इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करना है सो so, आप सबके लिए समझना यह है कि जब इंक्वायरी इन्वेस्ट, से इन्वेस्टिगेशन में तब्दील होती है तो पहले मेरे से पूछा जाता है कि मुझे इंक्वायरी रिपोर्ट दिखाई जाती है कि मेरे खिलाफ कंप्लेंट है क्या और यह क्यों तब्दील किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर मुझे कोई इसका इल्म नहीं होता बल्कि तीस अप्रैल को उसके दो दिन बाद अखबार में रिपोर्ट आती है एक किसी अखबार में लिखा होता है कि जी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन से गई मेरे वकील ने फौरी तौर तो पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट कहा कि जी जी क्या हमें तो पता ही नहीं है इसका लेकिन जरा आप, आप देखते रहें कि 28 से जब मेरे जब मुझे पता ही नहीं है कि इंक्वायरी किया है मेरे पास रिपोर्ट ही नहीं है इंक्वायरी की रिपोर्ट मेरे पास पहली दफा आती है जब ये मुझे जेल में डालते हैं ये नैब के कानून की खिलाफ वर्जी है अब बद्द, देखें कि अट्ठाईस को वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं पहली मई को मेरा वारंट निकल जाता है तीन दिन के बाद मेरा वारंट निकल जाता है और वारंट भी उस दिन निकलता है जिस दिन पब्लिक हॉलिडे होता है फर्स्ट में पब्लिक हॉलिडे होता है आठ दिन पता नहीं चलता कि मेरा वारंट है छुपा लेते हैं वारंट को और फिर उसको मुझे अदालत में जब बैठा होता हूं इस्लामाबाद की अदालत में जब बैठा होता हूं तो तब पता चलता है कि मुझे मेरे ऊपर अटैक होता है रेंजर्स का पुलिस क्यों नहीं रेंजर्स आप तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई बहुत बड़ा मुजरिम हो जब कोई वो दहशतगर्द हो या, या जब उसे कोई खतरा हो मैं तो जब इस्लामाबाद नौ तारीख की सुबह को निकला था मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी कि अगर आपने मुझे पकड़ना है तो आप मुझे वारंट दिखाएं और मुझे पकड़ लें वो कुछ ड्रामे ना करें जो मेरे घर पे बाहर आके इन्होंने किया उसके बावजूद रेंजर्स से मुझे पकड़ा तोड़फोड़ की गई मेरे सर पे डंडा लगा लोगों को मारा खून निकला लोगों के स्टाफ जो था उसको उसको उन्होंने मारा जो वहां बेचारा रजिस्ट्री ऑफिस का स्टाफ था और फिर जिस तरह मुझे वो लेके गए सारी दुनिया में वो तस्वीरें गई कि जिस तरह कोई एक बड़े कोई मुजरिम को दहशतगर्द को पकड़ के लेके जा रहे हैं ये सारा नैब चेयरमैन के ऑर्डर्स के ऊपर हुआ अब यह देखें सेक्शन 24 जब आप अरेस्ट वारंट करते हैं नैब में तो यह चार चीजें होनी चाहिए आपको अरेस्ट करने से पहले कि ये चार वजूहत होनी चाहिए जिसकी वजह से वो एकस, आपको अरेस्ट करते हैं नंबर वन के बार बार मुझे नोटिस गए और मैं उसका जवाब ना दूं मुझे नोटिस ही नहीं किसी ने भेजा तो मैं जवाब क्या देता तो पहला गलत दूसरा कि मैं मफरूर हूं कि मैं भागा हुआ हूं मैं अदालत के अंदर बैठा हुआ मैं मफरूर कैसे हूं मैं तो हाई कोर्ट के अंदर बैठा हुआ था वो भी गलत तीसरा कि मैं एविडेंस को चेंज कर रहा हूं एविडेंस सारी गवर्नमेंट के पास पड़ी थी अलकादर की सारी एविडेंस या वो एन सी ए वाली वो सारी उनके कैबिनेट पर पड़ी थी और या इन्होंने सारी अलकादर की सारी चीजें मंगवा ली थी वो इनके पास पड़ी थी तो मैंने टेम्पर कैसे करना था यानी मैंने उसको चेंज कैसे करना था तब्दील कैसे करना था और फिर बार बार एक चीज करता जाए आदमी र, रिपीट करता जाए एक, एक जुर्म फिर उठाते हैं तो इन चारों में से बताएं कि कौन सी मैंने गलती की थी जो मुझे उन्होंने एक दहशत गर्द की तरह जिस तरह मुझे उन्होंने उठाया है, ये चारों एक पॉइंट भी नहीं मीट कर रहा था उसके अलावा जिस तरह जिस तरह इन्होंने आ, मुझे उठाया मैं इसलिए जाना कर रहा हूँ कि इन्होंने सारी दुनिया में खबर गई कि इमरान खान को करप्शन केस पर उठा लिया अब ये याद रखें कि शौकत थानम के लिए और नमल यूनिवर्सिटी के लिए मेरे नाम पे, मेरी क्रेडिबिलिटी पे दस अरब रुपया हर साल इकट्ठा होता है और उसके अलावा जो कराची का अस्पताल बन रहा है वो तीस अरब का है ये तीसरा अस्पताल है और फिर नवल यूनिवर्सिटी की एक्सपेंशन हो रही है उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हूं तो एक आदमी की जब सारी दुनिया में आपने इस तरह गैर कानूनी तौर पे किया तो सारी दुनिया में पैगाम किया गया कि इमरान खान किसी करप्शन में मुलवस है और उसकी वजह से मुतासर हो सकती है ये अरबों रुपए के जो मैं हर साल पैसे इकट्ठे करता हूं इसलिए मैंने इसके ऊपर हर जाना किया और इसीलिए मैं सिर्फ यहां नहीं मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसकी कंप्लेंट करूंगा यह बदनीयती के ऊपर हुआ यह छुपा के इन्होंने किया यह पहले से प्लान था यह इन्होंने मुझे जलील करने के लिए किया सारी दुनिया के सामने आराम से भी उठा लेते पुलिस आके मुझे पकड़ के ले जाती है दिखाती मेरे पास कौन सी वहां कोई फौज थी या लोग थे तो आखिर मैं इस चीज के ऊपर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से प्री प्लान बना हुआ है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को पकड़ के तो जेल में डालो तो रास्ते से हटा दो ये पूरी तैयारी है डेढ़ सौ केसेस हैं और अब ये हालात हैं कि इतना प्रेशर डाला हुआ है इन्होंने कि मेरे वकील घबराना शुरू हो गए पहले तो इन्होंने सारे कारकुन पकड़ लिए हमारे और मैं ख़ास तौर पर वो दस हज़ार कारकुनों के ऊपर आज भी मैं अपील करता हूं सारी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को मैं अपील करता हूं कि इतना बड़ा जुल्म है कि उनको जेलों में बंद किया हुआ है उनको दहशतगर्दी के ऊपर रखा हुआ है उसके लिए एक शनाख्त परेड होती है उसके लिए लाजमी होता है कि आप उनको प्रोड्यूस करें वो कहते जी हमारे पास अमला ही नहीं है वो शनाख्त परेड होती है उसके ऊपर लेके नहीं आती पुलिस जजेस ऑर्डर करते हैं वो लेके नहीं आते जजेस के ऑर्डर्स वायलेट करते हैं और फिर कईयों को उठाया हुआ उनको प्रेजेंट ही नहीं कर रहे क्योंकि ऊपर केस ही नहीं लगा रहे ताकि उनको अदालत भी ना ले जाना पड़े लोगों को बंद किया हुआ है छोटे कमरों में गंदे हालात हैं उसके अंदर कईयों के ऊपर तशद किया जा रहा है मैं सारे पाकिस्तान के अंदर देखें मैं इस वक्त सब पाकिस्तानियों से अपील करता हूं कि ये जो हो रहा है ये याद रखें कि ये मुल्क को उधर धकेला जा रहा है वो इस मुल्क के अंदर नफरतें पैदा की जा रही हैं ऐसी नफरतें फटती हैं मुल्क में जब तक एक पॉलिटिकल पार्टी मुनजम रहती है हम कोई किसी किस्म का हमने आज तक सत्ताईस साल में इंतजार नहीं किया नौ मई को मैं फिर से रिपीट करता हूं कि सब कंडेम करते हैं सारे कोई पाकिस्तानी नहीं है जो वो समझता है कि जो जला जलाना किया जो आरसन की गई जो बिल्डिंग जलाई गई ये खास तौर पे ये जो कोर कमांडर का घर सब इसकी मजम्मत करते हैं लेकिन क्या कोई तहकीकत इंडिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए और क्या कोई ये नहीं कोई आज तक किसी से पूछा कि जो 25 लोगों को डायरेक्ट गोलियां मारी गई थी नहते लोगों को क्या उनको कोई वाली वारस नहीं है कोई पूछेगा नहीं कि उन्होंने क्या कुछ क्या गलती की थी सब नहते थे सब जो मारे गए हैं ये हालात हैं आपके इतना खौफ पैदा कर दिया है कि वो लोग सामने ही नहीं आ रहे हम लोगों को जब कहते हैं कि हमने आपको कॉम्पनसेट करेंगे उनकी फैमिली क्योंकि तो गरीब लोग थे एक बेचारा सारा घर संभालता था उसको गोली मार दी वो इतने डरे हुए उनके घर वाले लोग कि वो सामने ही नहीं आ रहे अब ऐसी फिजा पैदा की हुई है सो छुपे हुए हैं लोग कहते हैं कि हमने सामने नहीं आना और कारकुनों का ये हाल है कि हमें पता ही नहीं पूरी तरह चल रहा कि कितने कारकुन अंदर हैं कितने जेलों में क्योंकि वो छुपे हुए हैं हमें यही नहीं पता चल रहा कि असल में कितने लोगों को उस उस दिन गोलियां लगी थी क्यों क्योंकि हमारे कारकुन बाहर होंगे तो बताएंगे क्या बाकी या छुपे हुए हैं या वो जेल में है और जेल में बुरे हालात के अंदर रखा गया तो मैं इसलिए नून लीग को भी आज एक बात करना चाहता हूं और पीपल्स पार्टी का भी और पीडीएम की पार्टीज का भी देखिए ये जो हो रहा है ना ये याद रखें कि मैं इस मुल्क की स्टैब्लिशमेंट को 27 साल से मेरा वास्ता पड़ा है। आपको पता भी नहीं चलेगा जब ये बंद कमरे में प्लान ए से प्लान बी पे जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा तो जो आज आप चुप करके ये देख रहे हैं ये जुल्म जो हो रहा है ये आप ये समझ आए कि ये जब चेंज होगा क्योंकि चेंज होना है क्योंकि गवर्नमेंट तो फेल हो गई है इकोनॉमी गिर गई है आज जो डॉलर जिस मार्केट के अंदर ओपन मार्केट में 314 रुपए का डॉलर नहीं मिल रहा क्यों नहीं मिल रहा क्योंकि किसी को सबको इतम ही उठ गया इकोनॉमी से तो अगर ये हालात हैं और पहले हमारे पर से ये सब शोर मचा रहे थे 24 फीसद हमारी 12 फीसद थी महंगाई हमारे जमाने में बारह इशार या चार फीसद थी महंगाई मार्च हो गई थी सारे टीवी शोज के ऊपर लोगों के पास जाते थे जी बताएं कितनी महंगाई है आज के फिगर्स महंगाई की अड़तीस फीसद महंगाई है तीन गुना से ज्यादा है और आज जो हालात है लोगों के ना महंगाई कंट्रोल हो रही है फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं बेरोजगारी बढ़ रही है आगे इंटरनेशनल मीडिया के लोग जो फाइनेंस uh, के लोग हैं वो समझ रहे हैं कि डिफॉल्ट करने जा रहा है पाकिस्तान इन हालात के अंदर ये अगर आप समझते हैं पीडीएम वालों के आप बड़ी देर बैठे रहेंगे यहां मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब प्लान भी बनेगा हो सकता है आप इधर फंस जाए जो आज हमारे से हो रहा है हो, हो सकता है आपसे भी ये हो और ये मुझे यह कहना कि जी हमारे जमाने में ये हुआ था इससे बड़ा झूठ कोई बोल नहीं सकता मुझे यह बताएं कि हमारे जमाने में क्या यह हुआ था कितने लोगों को तशद किया गया जेल में कितने घर तोड़ के अंदर घुस के औरतों के सामने उठा के ले गए अगर वो आदमी नहीं मिला तो उन, उनके रिश्तेदार उठा के ले गए कितने घरों में ऐसे हुआ था मुझे यह आज तक बताएं कि हमने कितने दहशतगर्दी के के केसेस किए थे मरियम नवाज ने जाकर जब पथराव करवाया था नैब के ऊपर कितने दहशत के केसेस हुए थे किसके ऊपर इस तरह के डेढ़ सौ केसेस किए गए जो मेरे पे चार केसेस मेरे ऊपर किए गए हैं क्रिमिनल केसेस जब मैं चार नजरबंद था चार दिन नैब जेल में तो जिस तरह की आप हरकतें कर रहे हैं और ये होने दे रहे हैं हरकतें और ये क्या कि जी हमारे जमाने में ये, ये होता था ये समझ जाए कि ये बड़ी जल्दी चेंज हो सकता है ये अभी आप बड़े खुश हैं कि जी तरीके इंसाफ इसलिए नहीं कि हमने आपसे कोई जुल्म किया था मैं फिर से रिपीट करता हूं पचानवे फीसद करप्शन के केसेस अब पहले आपके जमाने में बने हुए थे इसहाक इसहाकदार आपके जमाने में भागा नवाज शरीफ के बेटे आपके जमाने में भागे ये जो केसेस बनाए हुए थे ये सारे आपके जमाने में हुए हैं सिर्फ फिर से शहबाज शरीफ के जो सोलह अरब का एफ का केस था और और जो नैप का केस था वो हमारे जमाने में आठ अरब का और वो मैं आज भी कहता हूं क्लियर कट केस है ही कोई नहीं ज़मीन के कब्जे जो छुड़वाए थे वो सारा लैंड रिकॉर्ड्स के के देख छुड़वाए थे एक मुझे दायरा ना पुलिस ऑफिसर कोई आईजी कोई मुझे आज एफ का आदमी मुझे एक कह दे कि मैंने किसी के ऊपर कहा इंतकामी कार्रवाई करो एक मुझे बता दे कोई मुझे बताए बता जितनी हमने भर्तियां की हैं वो सारी मेरिट के ऊपर की थी कितने इमरान खान के रिश्तेदारों को इंपॉर्टेंट जगहों पे बैठे थे और फिर मीडिया जरा मैं मीडिया के ऊपर आ जाऊं क्योंकि मीडिया में हमें बड़ी मार पड़ी थी सारा वक्त वो अच्छा वो गवर्नमेंट जिस गवर्नमेंट ने इस मुल्क के अंदर कोरोना दुनिया मानती थी कि कोरोना का सबसे ज्यादा डील उसके साथ उसको संभाला दुनिया मानती थी हिंदुस्तान में हालात देख लेते गिर्द ईरान में हालात देखते जो हमारे दो नेबर्स थे और पाकिस्तान में हालात देख अपने मुल्क को जिस तरह हमने निकाला है और बड़ी रिस्क लेके तो मैं आज ये सवाल पूछता हूं कि हमारे तरफ तो अखबार उठा के देख लें जो हमारी हमारी मिट्टी पलीत की गई है मीडिया में और एक केस डाल दीजिए राना सनाउल्ला के ऊपर वो ड्रग्स का केस था राना सनाउल्ला का एनएफ ने केस किया था जिनके ऊपर एक मेजर जनरल साहब बैठे हुए थे और हमने कैबिनेट में जब राना सना का केस आया कैबिनेट में प्रेजेंटेशन मांगी उससे कि कहीं के गलत केस तो नहीं कर दिया और उन्होंने एक एक फ्रेम बाय फ्रेम बताया कि ये कैसे ये राना सनावला पकड़ा गया था मंशियात में मैंने तो किसी को नहीं कहा ना मेरी कैबिनेट किसी को कहा तो इसलिए ये कहना कि आपके जमाने में भी कुछ था हमारे जमाने में कुछ नहीं था और मैं आज आपको आगे भी बता दूं कि इलेक्शन जब होंगे ये मेरी आज पेशन गोई मान लें जो मर्जी कर लें आप जितना तहरीक इंसाफ ने इनशा तो जब हम आएंगे मैं आज आपको इनशा हम जब आएंगे मैं आपको अभी भी ये कहता हूं मेरे से जो किया है मैं तो उनको माफ़ कर दूंगा मुझे कत्ल करने की जिन्होंने कोशिश की मैं माफ़ कर दूंगा क्योंकि मैं मेरे मैं जो उमती हूँ वो नबी अलैहि वसल्लम का हूँ और उन्होंने अपनी ज़ात के ऊपर हमेशा माफ़ कर देते थे तो मेरी ज़ात के ऊपर जो भी चीज़ है मैं माफ़ कर दूँगा जो मेरे घर में हुआ मेरी बी, बीवी अकेली घर में जिस तरह घर मेरा तोड़ा गया बाहर से जिस तरह उठा के ले गए मारा लोगों को मेरे घर में आके मेरे घर के ऊपर जो हमले किए गए चल मैं हम तो माफ़ कर दूँगा लेकिन मुझे बताएं कि जिन लोगों के ऊपर इस वक्त तशद हुआ है और हो रहा है वो जब निकलेंगे या जो आज़म स्वाति से हुआ या जो शबाज़ गिल से हुआ क्या वो माफ़ करेंगे क्या ये जो इमरान रियाज को उठाया या जो अरशद शरीफ ये जिस जिस तरह उसकी क्या फैमिली माफ़ करेगी क्या ये जो वर्कर्स जब निकलेंगे जिनको जानवरों की तरह रखा गया है क्या उनको पता है कौन कौन से और पुलिस वालों ने ज्यादातर अच्छा बर्ताव उनकी बुरी रिपोर्ट्स नहीं है नामालूम अफराद ने ज्यादा जुल्म किया लेकिन कई गुल्लू बट जो इन्होंने शामिल किए क्या उनको माफ कर देंगे जिन्होंने पच्चीस मई को किया हमने चुप करके बैठ गए हमने किसी को ही नहीं दी जब पच्चीस मई को इन्होंने जुल्म किया था तो क्या अब अब हम अब माफ कर देंगे ये जो वर्कर जब निकलेंगे वो डिमांड नहीं करेंगे कि जिनसे जुल्म किया गया तो इतने इंतहा पे जो आप लेके जा रहे हैं ये याद रखें कि कहीं प्लान भी बन गया तो आप इसी जगह पे फंस जाएंगे और मेरी मीडिया से अब मैं फिर मीडिया से पूछता हूं कि अब तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर इमरान खान का नाम ही अब नहीं ले सकते आप टी वी चैनल्स पर यह अब नई चीज है अगर इमरान खान का टी वी चैनल्स पर नाम नहीं ले सकते तो अब मैं सोच रहा हूँ कि टी वी चैनल पर गुफ्तु की क्या होगी शाम को मैं और भी सोच रहा हूँ कि इसका मतलब मरियम नवाज की तो अब तकरीरें दिखाई नहीं सकेंगे क्योंकि उसकी तकरीर ही खत्म हो जाएगी अगर उसमें इमरान खान का नाम ना हुआ यानी इस तरह से क्या मुल्क में क्या लोग कितने बेवकूफ हैं कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो इससे वो भूल जाएंगे लोग पीटीआई इमरान खान का मैं आप फिर से आपसे कहता हूं कि ये जो लोगों से किया जा रहा है हमारे लोगों से जो मेरे से किया जा रहा है मैं अपना इसलिए नहीं ज़्यादा बात करता कि ठीक है मैं तो तैयार हूं हर चीज़ के लिए पहले तो राणा सना कहता है कि इमरान खान की जान को शदीद खतरा है टीवी पे जाके कहता है फिर मेरा जो इंचार्ज था कर्नल आसम यहाँ का सिक्योरिटी का उसको वो गायब हो जाता है जो गाड़ियाँ जो प्रोटेक्शन देने वाली जो बुलेट प्रूफ है वो सवाए एक के बाकी सारी वो तीन जो गाड़ियाँ थी वो गायब हो जाती हैं उनको पकड़ के एम्पाउंड कर लेते हैं फिर इर्द गिर्द सबके जो हमारे करीब था उसके ऊपर वारंट निकाल दिए तो यहाँ खाली पड़ा हु मैं अकेला बैठा हूँ दो तीन हमारे पास लोग रह गए और फिर आते हुए अब लोग डरते हैं क्योंकि अगर कोई यहाँ आएगा तो उनको डर है कि बाहर कोई इंफॉर्मेंट्स में पकड़े जाएंगे तो वो भी आइसोलेटेड हूँ वकील सिर्फ आ सकते हैं लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इससे मैं पीछे हट जाऊँगा और फिर जो हरबे इस्तेमाल किए गए मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि रात मेरी भांजी का खामद जिसका कोई तरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं है उसका जो बाप और फैमिली वो सारी नून लीग में है उसको कल रात उठा के ले गए तो एक बहन के घर में छापे मारे उन्होंने घर जाके तो ये जो सारी हरकतें हैं क्या इससे इमरान खान पीछे हट जाएगा और फिर मैंने एक कमेटी बनाई जिसमें परवेज़ खटक और असद कैसर थे उनको दावत मिली जी कि हाँ आ, इस्टेबलिशमेंट से क्या है हमारे से बातचीत करें वो उधर जाते हैं उधर उनको सेफ हाउस में बिठा लेते हैं वो अभी भी, भी जब तक मुझे खबर आ रही है अभी वो सेफ हाउस में बैठे हुए हैं उन्हें कह रहे हैं कि तब आपको हम छोड़ेंगे जब आप ये कहेंगे कि हम तहरीक इंसाफ से हम उसको छोड़ें तारीख इंसाफ और इमरान खान तो असल में ये जब आप ये हरकत ये जो कर रहे हैं क्या आपको समझ है कि आप लोगों से क्या पूछ रहे हैं जब आप कहते हैं कि आप तरीक इंसाफ से आलहदा हो रहे हैं क्या अंदाजा है कि ये कह क्या रहे हैं आप आप ये कह रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स छोड़ दें क्योंकि जि जिस वक्त जो इस वक्त तरीक इंसाफ को छोड़ेगा ये मैं आज आपको राइटिंग में दे रहा हूं कि उसको लोगों ने वोट नहीं डालनी तो आ जो हमारे सारे लोग इतनी मुश्किलों के बावजूद हमारे साथ खड़े हैं नजरियाती तौर पर भी खड़े हैं वो जो जुल्म हो रहा है इसके ऊपर भी वो लोग खड़े हो गए क्या नहीं हम हम नहीं जाते लेकिन उन सबको यह भी पता है कि जो छोड़ेगा उसकी उस वक़्त पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी तो ये जो इन दोनों को हमारे सीनियर लोगों को मैंने तो इसलिए कहा था कि बातचीत शुरू करेंगे वो बातचीत करने गया उनको ही बिठा लिया तो इसका मतलब कि बातचीत नहीं करना चाहते इसका मतलब ये कि यहाँ फैसला हुआ है बंद कमरों में कि पार्टी को ख़त्म करना है इमरान खान को अकेला कर देना है इमरान खान अकेला हो चुका है इमरान खान के तो इर्द गिर्द गर्द कोई भी नहीं है ना मैं किसी को टेलीफोन कर सकता हूँ ना मैं किसी से बात कर सकता हूँ कि तो सब छुपे हुए हैं या जो जो जो, जो मेरी सीनियर लीडरशिप है उनसे मुशावरती करते हैं वो सारे जेल में हैं या उन्होंने कहा कि हम जी पीछे हट रहे हैं हम पॉलिटिक्स से पीछे हटें तो क्या मैं सवाल ये पूछता हूँ कि चले इमरान खान को तो आपने आइसोलेट कर दिया क्या ये पाकिस्तान में इसकी बेहतरी हो रही है ये हमारा मुल्क के लिए बेहतर है हमारी जो इकोनॉमी बैठती जा रही है जो गुर्बत बढ़ती जा रही है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है महंगाई बढ़ती जा रही है क्या इसे ठीक हो जाएगी क्या अंदाजा है नहीं कि जो जो भी भी सोच सोच रहे हैं जो भी ये सोच है इसके पीछे क्या वो आगे पाकिस्तान का भी सोच रहे हैं एक पार्टी जो मुल्क की फेडरल पार्टी है जो इस वक्त सारे सूबों के अंदर है और सबको इकट्ठा रख सकती है जब उस पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और उसके लीडर को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है क्या यह पाकिस्तान में इसकी बेहतरी है हमारे मुल्क की बेहतरी है इसमें क्या हम ये नहीं समझते कि कोई इस्टेबलिशमेंट आज तक मुल्क को इकट्ठा नहीं रख सके जिस जो हमारी तरह का मुल्क मुफ्तलित मुफ्तलित हो जिधर मुख्तों ज़बानें हों जब जिस तरह के हालात किए जा रहे हैं ये पाकिस्तान से दुश्मनी हो रही है क्या इमरान खान को अब उदार कह के वो मान जाएगी लोग उदार कौन मान जाएगी क्या अंदाजा नहीं है कि पब्लिक ओपिनियन होता क्या है मैं ग्राउंड पे मैंने 27 साल ग्राउंड से पार्टी बनाई है मैंने कभी किसी को डैडी कहकर कि किसी की डिक्टेटर की कैबिनेट में नहीं बैठा आठ साल पहले और फिर पॉलिटिक्स में आया या मैं किसी की छत के ऊपर सरिये लगाते लगाते मैं, मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बना मैंने जीरो से पार्टी शुरू करके यहां पहुंचा मैं पब्लिक ओपिनियन को जानता हूं जिसने पब्लिक ओपिनियन के ऊपर आया पावर में वो जानता है वो समझता है मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो आप कर रहे हैं इससे पार्टी कमजोर नहीं पार्टी ताकतवर हो रही है क्योंकि पब्लिक जुड़ती जा रही है उसके साथ और लेकिन कमजोर पाकिस्तान हो रहा है हमारे मुल्क को कमजोर किया जा रहा है हमारी मैशत जब कमजोर होती है तो सारा मुल्क कमजोर हो जाता है और सबसे बड़ी बात कि पॉलिटिक्स को फ्रेगमेंट किया जा रहा है जो प्लान मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि हर पार्टी को छोटी 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 उनको उनके वोटें दे दें और फिर वो सारों को इकट्ठा करके जब आप बैठाएंगे तो समझेंगे कि वो कमज़ोर किस्म की हुकूमत होगी जो कंट्रोल हो सकती है पीछे से तो ये तो मुल्क की तबाही है मुल्क की इस वक्त रिक्वायरमेंट है जो माशी तबाही मिल चुकी है मुल्क में है। जो मुल्क जिधर जाके खड़ा हो गया आपको तो वो एक गवर्नमेंट चाहिए जिसको पब्लिक जिसके पीछे खड़े हो पब्लिक का मैंडेट हो जिसके पीछे जो के फिर को इकट्ठा भी कर सके और मुश्किल फैसले कर सके और मुश्किल फैसले क्या होते हैं है ताकि इन्वेस्टमेंट तो आनी शुरू हो और तो छोड़े बैरून है मुल्क पाकिस्तानी सबसे बड़ा असाशा है जिस वक्त हमने मुल्क में कानून की हुक्मानी की उनकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी लेकिन यह तो उसको दूसरी तरफ जा रहे हैं इस तो इसमें तो पाकिस्तान में उम्मीद ही ख़त्म करते जा रहे हैं और मैं आखिर में आखिर अपनी बात ख़त्म करता हूँ अपने वर्कर्स के लिए कहते हैं कि जितने भी मेरे वर्कर्स हैं वो जिस तरह भी मेरी उन तक आवाज़ जाए मुझे पता मुश्किल वक्त चुन चुन के हर थाने को हुक्म दिया गया कि पी टी आई का कोई कारकुना है तो उसको पकड़ो या उसको दबाओ या उसे कहो अपनी अपनी वो वो कहे कि जनाब मैं आज पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़ा हूँ और मैं तेरिकन साहब छोड़ रहा हूँ हम सारे पाकिस्तानी फौज के मैं बार बार कह हम सब फौज के साथ खड़े को और नहीं खड़ा होगा अपनी फौज के साथ जिसने आपकी मुल्क की हिफाजत कर ली लेकिन ये एक आड़ लेके कि जी वो नौ मई को पाकिस्तान तरीक इंसाफ को एक बिल्कुल एक आ, आ, उसके ऊपर पूरा क्रैक डाउन कर दो उसका बहाने में तो मैं अपने सारे कारकुनों के सब्र करें मुश्किल वाक है आपके लिए मुश्किल बात है मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल बात है मुश्किल वक्त क्यों है क्योंकि सारा दबाव इन्होंने मेरे पर डाला हुआ है तो जब तक मैं खड़ा हूं जब तक ये सारे हर में इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे पकड़ने के कोई ना कोई केस में तो पकड़ ही लेंगे क्योंकि इतने ज्यादा केसेस हैं और अगर, अगर मेरे वकील अब डरना शुरू हो गए हैं तो मैं खुद तैयारी कर रहा हूं कि मैं खुद ही फिर मुझे अपने केसेस अदालत में जाना पड़ेगा लॉ पढ़ने की भी अब कोशिश कर रहा हूं समझ भी वैसे मैंने इतनी दफा अदालतों के चक्कर लगाए कि मैं काफी समझ भी गया हूँ कि कानून क्या होता है तो मैं वो भी तो लग तो ऐसे रहे कि वो वकील भी आखिर में छोड़ जाएंगे लेकिन इमरान खान जब तक संदा खड़ा रहेगा अपने मुल्क हकी की हकीकी आजादी के लिए और मेरे कारकुनों आप इसको पॉलिटिक्स ना समझे आप एक दिन दुनिया कहेगी कि ये वो लोग हैं जो खड़े थे पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए और उन्होंने कुर्बानियां दी अपने मुल्क को आजाद करने के लिए पाकिस्तान आइंदाबाद